तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 रुपए के इन रविंद्रनाथ टैगोर जी के चित्र वाले सिक्कों के बारे में, जिनमें शामिल होगी इस तरह के सिक्कों की एक सबसे रेयर वेरायटी। और उसके साथ ही मेरे पास है यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बॉक्स, जिसके अंदर भी है इसी तरह का 5 रुपए का रेयर सिक्का। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपका और हमारा साथ आगे भी ऐसे ही बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, 5 रुपए के इस तरह के सिक्के जारी किए गए थे 2011 में रविंद्रनाथ टैगोर जी की 150वीं जयंती के अवसर पर। और इस सिक्के को बनाया गया था निकिल ब्रास से और इसका वजन होता है 6 ग्राम। तो इस पर आप लोगों को यहाँ पर बीच में देखने को मिलेगा रविंद्रनाथ टैगोर जी का चित्र और उसके नीचे 1861 और 2011 लिखा हुआ है। और इसके एक तरफ रविंद्रनाथ टैगोर 150वीं जयंती और दूसरी तरफ रविंद्रनाथ टैगोर 150 बर्थ एनिवर्सरी लिखा हुआ है। वहीं यहाँ पर है इसका मिंट मार्क। और इस सिक्के के दूसरी साइड पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अशोक स्तंभ का चित्र सत्यमेव जयते के साथ, और इसके दोनों तरफ भारत रुपए और इंडिया रुपीज लिखा हुआ है। वहीं सबसे नीचे है इसका डिनोमिनेशन 5 और इस सिक्के के एजेस थे रीडेड एजेस। तो अब बात करें इन सिक्कों की मिंटेज की, तो ये सिक्के जारी हुए थे भारत की 4 मिंटों से, जिनमें थी बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा मिंट। तो दोस्तों, ये तो हो गई इस तरह के कॉमन सिक्कों की बात, लेकिन अब देखते हैं इस बॉक्स के अंदर कौन सा रेयर सिक्का है। तो चलिए कर लेते हैं इस बॉक्स की भी अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर इसके सामने की तरफ आप लोगों को देखने को मिलता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का चित्र और इसके नीचे लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर 150th बर्थ एनिवर्सरी। साथ ही यहाँ पर ईयर मेंशन है 1861 से लेके 2011। वहीं इस बॉक्स के पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वाइंस मिंटेड एंड पब्लिश्ड बाय इंडिया गवर्नमेंट मिंट कोलकाता। और इसको खोलते ही आप लोगों को इस तरफ देखने को मिलता है एक फोटो। वहीं यहाँ पर है 5 रुपए का प्रूफ कॉइन। जी हाँ दोस्तों, ये है एक सिंगल कॉइन प्रूफ सेट, जिसके अंदर हमको मिलता है 5 रुपए का ये प्रूफ कॉइन। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को इस सिक्के पर एक मिरर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि प्रूफ सिक्कों की एक पहचान होती है। वहीं इसकी क्वालिटी भी एकदम प्रीमियम है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग इस नॉर्मल सिक्के से इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। तो ये जो सिक्का इस बॉक्स में आता है, इस सिंगल कॉइन प्रूफ सेट की आज के समय में कीमत है लगभग 600 रुपए से 800 रुपए के बीच में, और ये कीमत समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं इस तरह के 2 सिक्कों वाले प्रूफ और यूएनसी सेट भी बनाए गए थे, जिनको भी कैलकाटा मिंट से ही जारी किया गया था। तो उस सेट में था 5 रुपए और एक था 150 रुपए का सिक्का। तो इनमें जो यूएनसी सेट बनाए गए थे, उनकी जो आज के समय में मार्केट वैल्यू है वो है लगभग 3200 रुपए से 3500 रुपए के बीच में। वहीं इस तरह के प्रूफ सेट की आज के समय में कीमत है लगभग 3800 रुपए से 4000 रुपए के बीच में। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस तरह के कॉमन सर्कुलेशन के सबसे रेयर और कीमती सिक्के की। तो ये जो सिक्का आप लोग देख रहे हैं, ये है कॉमन वेरायटी। लेकिन दोस्तों, इस तरह का एक म्यूल कॉइन भी आता है, और उसकी खास बात ये होती है कि उसका इस तरफ का भाग तो इसी तरह का होता है, जबकि उसके पीछे का हिस्सा इस 5 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन का होता है, और इसी वजह से इनको म्यूल कॉइन्स बोला जाता है। और इसी तरह का ये वाला सिक्का मैंने आप लोगों को पहले भी इस वाली वीडियो में दिखाया था, जिसके की सामने की तरफ का भाग कुछ इस तरह का होता है। वहीं इसका भी जो पिछला भाग है वो भी कुछ इस तरह का था, और ये भी एक 5 रुपए की रेयर म्यूल वेरायटी है। तो इसी तरह से इस सिक्के में भी ये वाली वेरायटी आती है। और इसी तरह का एक म्यूल कॉइन रिसेंटली टोडी वाला ऑक्शन में बेचा गया था, और वो सिक्का बिका था 4000 रुपए की कीमत में, जबकि उसकी कंडीशन भी यूएनसी नहीं थी। तो इस हिसाब से ये म्यूल कॉइन यूएनसी कंडीशन में और भी कीमती हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जाना इस तरह के रविंद्रनाथ टैगोर जी के चित्र वाले 5 रुपए के सभी तरह के सिक्कों के बारे में, जिनमें मैंने आप लोगों को बताया इस तरह के प्रूफ सिक्के के बारे में, और साथ ही इस तरह के कॉमन सर्कुलेशन के म्यूल कॉइन के बारे में। तो इस तरह के सिक्के अगर आपके पास है तो वो सिक्के हाथों हाथ बिक भी सकते हैं। तो अगर आप अपने सिक्कों को बेचना चाहते हैं तो आप उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसको अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों तक ये सच्ची जानकारियां पहुंच सके। और अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपको मिलती रहे हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और आप देख सके उन वीडियोस को सबसे पहले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।